वीडियो का टाइटल पढ़ के शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन यकीन जाने शायद वीडियो देखने के बाद आपकी राय बिल्कुल बदल जाए। सर्दी बहुत ज्यादा, आप ऐसे करें कि आप वीडियो की तरफ जाएं, मेरी स्टोरी देखें, तब तक मैं जरा आग से। ये बात है पिछले साल के आखिरी दिन की, जब मैं बैठकर अपने अगले साल के टारगेट बना रहा था। टारगेट बनाते बनाते मुझे पता भी नहीं चला कब सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। हाँ, मगर जैसे ही रात का वक्त हो गया, मैंने बहुत देर अकेले बैठ के बड़ा कुछ सोचा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हूँ कहाँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ही रात का वक्त हो गया तो मैंने बड़े ही ध्यान के साथ प्लानिंग की कि कल से मैं क्या करूँगा। अच्छा जी, तो मैंने भरपूर तैयारी की, अपने टारगेट्स को अपने कमरे के अंदर लगा लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने टारगेट उसमें से अचीव हुए मैंने पूरे साल में किए और कितने उसमें से रह गए। ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो समझ लें कि टारगेट है कौन कौन से थे। टारगेट नंबर 1, दूसरा टारगेट ये था कि डेली सोने से पहले कम से कम 30 मिनट तक कोई मैं प्रोडक्टिविटी की बुक पढ़ूंगा ताकि मेरे विजडम में कुछ इजाफा हो सके। तीसरा टारगेट सबसे मुश्किल था, तीसरा टारगेट ये था कि मैं मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करूंगा। दिन के अंदर सिर्फ 3 घंटे तक मैक्सिमम मैं मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी 2 टारगेट तो और भी ज्यादा मजे के हैं, उसके ऊपर अलहदा से कंप्लीट वीडियो बन सकती है, तो मैं वो वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो अच्छा, मैं चलता हूँ, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। एक सेकंड जरा सबर करो, तुहाडी जिहड़ी कहानी है वो एंड की होया, तुसी दसो अचीव किने कीते गोल। लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती थी तो मैं उठ तो जाया करता था, मगर खुद से ये कहता था, आज बहुत नींद आई है, कल से जाऊंगा, छब है। और जब किताब पढ़ने की बारी आती थी, थोड़ी सी पढ़ता था और मैं थक जाता था। और मोबाइल चलाते कोई भला कैसे थक सकता है, 1 घंटा 2 घंटा क्या, पूरा दिन मोबाइल पे बैठकर सिर्फ एक और एपिसोड देखूंगा, सिर्फ और एक सीजन शुरू कर लेता हूँ, हाय ये तो मैंने वीडियो देखी नहीं, सारा दिन पार। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में रहने वाले किसी आदिल, असलम, रुखसाना या आमना की भी है। ये इंडिया में सुबह से शाम तक किसी जॉब पर मेहनत करने वाले किशोर, अपर्णा या किसी रुखसाना की भी है। ये हमारे इर्द गिर्द के ममालिक अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, चाइना, जापान, यहां तक कि अमेरिका दूर दराज,
वहां पर किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मालिक के लिए भी यही परेशानी है। वो प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता है, मैं और आप प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन की बारी आएगी हम फेल हो जाएंगे। कितनी बड़ी बदनसीबी है कि उस रब ने हमें खूबसूरत एक गाड़ी दी है जिंदगी नुमा, जो हमारी जिंदगी की तरह है, उसके ऊपर हम सवार हैं, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक ब्रेन है जिससे हमें ताकत मिलती है, हमें डायरेक्शन समझ आती है, हम रास्तों को पहचान सकते हैं, यहां तक कि हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी फुल है। मगर कितनी बदनसीब है वो जिंदगी की गाड़ी जो आज तक अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकी और ना ही वो पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में हर वक्त ये रहता है ये काम मैं कल करूंगा। अरे उस कल को फांसी दे देनी चाहिए। वो कौन सी कल है जो अभी तक कभी आई नहीं आपकी? आज करना है जो करना है, छोड़े। इससे नाकाम गाड़ी कोई नहीं हो सकती जो कभी अपनी मंजिल पर ना पहुंचे। अरे लाला बहुत सारा टाइम गुजर गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा यार कि तू हम के ARY के ड्रामे ना देख। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तू खेलने ना जा, तू नेटफ्लिक्स ना देख। चलो ठीक है, फिर हम नेटफ्लिक्स ही देखते हैं। आपका लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है, आपका वीडियो देखने की क्या जरूरत है? अच्छा एक दफा मेरी बात तो पूरी सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने शादियों पर जाना तो जाओ यार, मैंने कब मना किया। लेकिन कोई ऐसा हम दरमियानी रास्ता निकाले कि हम खेल भी ले, हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क ना है। अच्छा ऐसा भी कोई मेथड है, दसो जी तुसी की करोगे। अच्छा अगर तुम्हें मैं एक ऐसा तरीका बता दूं कि तुम साथ साथ मजाक भी करते रहोगे, ठीक है, एंजॉय भी करते रहोगे और तुम्हारे काम भी चलते रहेंगे। तो जी कॉलेज तो पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, ऐसी चीजें सीखना चाहते हो, तो ये चैनल यूट्यूब का तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे साथ ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जिसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी की बातें भी करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करने की बातें भी करेंगे, और मैं आपको सामने करूंगा खुद कि किस तरह से मैं अपने अंदर जो मैंने कमियां देखी हैं, उसको मैं कैसे पूरा करता हूं। तो मैं ये वाला क्लिप जो है ये मैंने बाद में एडिटिंग के टाइम डाला है, तो रात का वक्त हो गया, मैं सोने लगा था, मैंने कहा इसकी एडिटिंग कंप्लीट कर दूं ताकि आप लोग इस वीडियो को देख सकें। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गया था काम करके, कि मैं थक जाया करता था, चिड़चिड़ापन आ गया। तो मैंने कहा खुद को चेंज करना चाहिए, लाइफ छोटी सी है। तो मैंने अपने डेली बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपने वाकया शेयर किया करूंगा, उम्मीद है आपको मजा आएगा। और उसके लिए मैं एक चीज का आज ऐलान करने लगा हूं, तुम भी इस पे अमल करना, वो है सेल्फ वॉर, वॉर विद माई सेल्फ। अब ये वॉर विद माई सेल्फ क्या है ये अगली वीडियो में देखेंगे, और अगली वीडियो का टीजर देखते जाना। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक तुम देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम में एक आग है कि तुम फन के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ, भंगड़े डालने के साथ साथ, मेकअप करने के साथ साथ, मेहंदी करने के साथ साथ, मेहंदी लगाने के साथ साथ, फैशन करने के साथ साथ तुम अपने गोल्स भी साथ साथ अचीव करो। कितना मजा आएगा जब तुम हर मैदान में कामयाब होगे। अब कैसे हमने अपनी जंग शुरू करनी है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ना यार बंद दिखाए, कहां बैठे? यहां देख ले कहीं भी, कहां वहां बैठ जाए, नजर तो कुछ आ नहीं रहा, बैठना किधर है? नहीं जी अगर गर्मा गर्म समोसा खाना है तो ये है।